हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय स्पोर्ट्स चैनल। आपका स्वागत है मेरे स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपको इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट T20 की टीम देने जा रहा हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई न्यूज़ होगी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की, कौन से प्लेयर नहीं खेले, अपडेट हो या कोई इंजर्ड होंगे, तो आप, मैं दोबारा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। उससे पहले जस्ट फिफ्थ ODI ख़त्म हुई है और इंडिया ने कमाल की बैटिंग करके एंड बॉलिंग करके अपना फिफ्थ ODI विन किया है और सीरीज भी विन किया है। तो मैं अपनी टीम दिखाता हूँ, मैं विनिंग दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, मैंने दो लीग ज्वाइन की थी, 220 की एंड 120 की, दोनों सेम टीम से खेली थी जो मैंने आपको यूट्यूब पे दी थी। आप देख लीजिए, मैंने ये ली, आराम से जीत ली। मैंने विराट कोहली को कैप्टन एंड होल्डर को वाइस कैप्टन बनाया था। मैंने रोहित शर्मा को भी लिया था। आप देख सकते हैं, मैंने जडेजा को नहीं लिया था, फिर भी मैं ये जीत गया। सामने वाले भी देख लीजिए, सामने वाले की टीम, उसने साहिब को वाइस कैप्टन बनाया था, इसलिए वो हार गया। नेक्स्ट देखिए, ये लीग भी मैं जीत जाता, मात्र 0.25 से हार गया, क्योंकि मैंने जडेजा को नहीं लिया और सामने वाले जडेजा को लिया, फिर भी वो बस डिफरेंस देखिए मात्र 0.25 का है। तो आप जान सकते हैं, ये आज मेरा लक अच्छा नहीं था, इसलिए ये लीग नहीं जीत पाया, फिर भी मैंने कुछ विन किया। चलिए टीम बनाते हैं। तो विकेट कीपर में तीन ऑप्शन हैं, तीनों खेल सकते हैं। तो ऋषभ पंत बेस्ट है, क्योंकि इंडिया चाहे कि वो 2019 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे और एक्सपीरियंस दिलाए, इसलिए मैं ऋषभ पंत के साथ आऊँ जो ज़रूर खेलेंगे। अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जा सकते हैं, दिनेश कार्तिक एंड दिनेश रामदिन के साथ जा सकते हैं। अब मैं बैटिंग में रोहित शर्मा के साथ जा रहा हूँ। आप जानते ही होंगे ये कितने अच्छे प्लेयर हैं और कितने अच्छे फॉर्म में हैं, और T20 में भी शतक मार रहे हैं आजकल, हमेशा अच्छे खेलते हैं। आप जा सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ सिमरन हेटमेयर के साथ एंड लोकेश राहुल के साथ जा रहा हूँ, और मनीष पांडे के साथ। आप पूछ सकते हैं, मैं लोकेश राहुल और मनीष पांडे के साथ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इस टीम में, स्क्वाड में, इंडिया के स्क्वाड में विराट कोहली एंड अम्बातुर एडुनी हैं। तो डायरेक्ट लोकेश राहुल विराट कोहली के बदले आएंगे एंड मनीष पांडे अम्बातुर एडुनी के बदले आएंगे। तो ये दोनों फिक्स है, ये जरूर खेलेंगे। ठीक, ये मेरी टीम रहेगी बैट्समैन में। आप चाहे तो रोहित शर्मा को हटाकर धवन को ले सकते हैं, ये हेटमेयर को हटाकर धवन को ले सकते हैं, बट ये मेरी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, बेस्ट टीम रहेगी। एंड ऑलराउंडर में देखिए, मैं जा रहा हूँ रसल के साथ, जो T20 के बादशाह कहलाए जाते हैं, एंड कार्लोस ब्रैथवेट के साथ जा रहा हूँ, जो डेफिनेटली खेलेंगे। ये मेरे दो ऑलराउंडर रहेंगे। आप चाहें ले सकते हैं किरण पोलार्ड को, ये भी खेलेंगे। मैं बॉलिंग में, बॉलर में मैं कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह के साथ जा रहा हूँ। आप जानते ही हो, जसप्रीत बुमराह ने फोर्थ ODI में कितने अच्छा परफॉर्म किया था, थर्ड ODI में 4 विकेट लिए थे। तो मैं इन दोनों प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। कुलदीप यादव हमेशा कंसिस्टेंटली विकेट लेते रहते हैं। नेक्स्ट बॉलर में मैं किमो पॉल के साथ जा रहा हूँ और खालिद अहमद को भी इंडिया 2019 के लिए अपना बेस्ट लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर तैयार कर रही है। तो ये इस सीरीज में, T20 सीरीज में, तो इंडिया वाले जरूर इनको मौका देंगे, टीम मैनेजमेंट जरूर इनको मौका देंगे, तो ये डेफिनेटली प्लेइंग 11 में आएंगे। तो ये मेरी टीम रहेगी, आप देख सकते हैं। तो कैप्टन में कैप्टन देखते बनाते हैं, मेरे कैप्टन रहेंगे रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन रहेंगे एंड्रयू रसेल। आप चाहें तो कुलदीप यादव को बना सकते हैं, हेडमेयर को बना सकते हैं, कार्लोस ब्रैथवेट को बना सकते हैं, लेकिन ये मेरी टीम ही रहेगी स्मॉल लीग के लिए। प्रीव्यू देख लीजिए, मैंने ऋषभ पंत, लोकेश राहुल, मनीष पांडे, हेटमेयर, रोहित शर्मा, रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, किमो पॉल एंड
खली अहमद को लिया है। आप चाहते ये मेरी टीम रहेगी, आप चाहे तो कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी टीम यही रहेगी। थैंक यू दोस्तों, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोई न्यूज़ होगी तो कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर अपने दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, इसलिए प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, कीप विनिंग एंड बेस्ट।